नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन किशो। आज हम बात करने वाले हैं लाइका कोवाई किंग्स वर्सेज नेल्लई रॉयल किंग्स के बीच में होने वाला क्वालिफायर मैच नंबर 2 TNPL में। सो गाइस, यहां पर अगर जो बात करें दोनों ही टीम की, भाई दोनों ही टीम की काफी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस चली है। नेल्लई रॉयल किंग्स 0.7 में सबसे ऊपर है और लाइका कोवाई किंग्स जो है चौथे नंबर पर है। लाइका कोवाई किंग्स के पास एक मौका है भाई थोड़ा सा अपनी पोजिशन को मेंटेन करने में, यहाँ पर फाइनल्स में नाम कमाने के लिए। सो गाइस, क्या ये मुकाबला लाइका कोवाई किंग्स ये लेकर के जा पाएगी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर जो आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा फटाफट से इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर वेन्यू की। ये मुकाबला होने वाला है 29 जुलाई 2022 फ्राइडे को शाम को 7:15 SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पे। अगर जो बात करें पिच की, पिच रिपोर्ट के ऊपर भाई यहाँ पर क्या हो चुका है अभी तक, देखो यहाँ पर टोटल 57 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 25 मैचेस जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाले ने 32। यानी कि साफ साफ हमें नजर आ रहा है सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के पास थोड़ी सी यहाँ पर एडवांटेज नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने 32 टाइम्स मैच जीता है। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर मुझे जो ऐसा लगता है कि भाई जो टीम सेकंड बैटिंग करने के लिए उतरेगी, जो टारगेट चेजिंग के लिए निकलेगी, सो मे बी वो मुकाबला लेकर के जा सकती है। बात करें एवरेज इनिंग स्कोर की, वो है यहाँ पर 159, यानी कि 160 का तक का ही मान लो जो यहाँ पर हमें स्कोर देखने के लिए मिलने वाला है, 160 के अराउंड देखने के लिए मिलने वाला है ओवरऑल मुझे यही लगता है। बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर 150 से नीचे का स्कोर 23 बार बन चुका है, स्कोर जो है 150 से लेकर के 170 के बीच में 11 बार बन चुका है, 170 से लेकर 190 के बीच में 14 बार बन चुका है, और यहाँ पर 190 से ऊपर का स्कोर जो है 9 बार बन चुका है। जो मुझे यहाँ पर लगता है इस हिसाब से जो ये देखने में लगता है भाई 150 से कम जो है यहाँ पर 23 बार बन चुके हैं। सो मेरे को मतलब जो लग रहा है ना, यहाँ पर 160 तक ही रन खींचेंगे ज़्यादा, तो यहाँ पर जो फाइनल स्कोर होगा ना वो 160 इस टाइप का जो है रन बनने वाले हैं मेरे हिसाब से। अगर जो बात करें यहाँ पर दोनों ही टीम की, भाई दोनों ही टीम की क्या परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पर, देखो नेल्लई रॉयल किंग्स ने अभी तक 7 मुकाबले खेले, 7 में से 6 मुकाबले जीते, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस है। लाइका कोवाई किंग्स ने भाई 7 मुकाबले खेले, 7 में से 4 मुकाबले जीते, यानी कि उनकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। नज़र डालें अगर जो प्लेइंग 11 के ऊपर, देखो प्लेइंग 11 में नेल्लई रॉयल किंग्स की प्लेइंग 11 अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है। श्री नरेंजन आर, लक्ष्मी एल, सूर्य प्रकाश, बाबा इंद्रजीत, संजय यादव, बाबा अपरजीत और बाकी भी जितने प्लेयर हैं यहाँ पर सारे ही काफी अच्छे हैं। अगर जो बात करें बैटिंग की और बॉलिंग की नेल्लई रॉयल किंग्स की, भाई कैसी होने वाली है, देखो मुझे जो पर्सनली लगता है भाई 7 में से 6 मुकाबले जीते हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। तो मैं साफ साफ यही कहूंगा नेल्लई रॉयल किंग्स की टीम भाई देखो ना तो बैटिंग पर शक कर सकते हैं ना बॉलिंग पर शक कर सकते हैं, जो पूरी टीम है एक परफेक्ट प्लेइंग 11 बनती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई नजर नहीं आ रही इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कोई कमी नजर नहीं आ रही। और अगर जो बात करें वहीं दूसरी ओर लाइका कोवाई किंग्स की, भाई लाइका कोवाई किंग्स की बल्लेबाजी और गेंदबाजी कैसी है, अपनी प्लेइंग 11 की बात करें, प्लेइंग 11 अपनी इनकी बेस्ट होने वाली है। अगर जो बात करें बल्लेबाजी की, देखो जो मुझे पर्सनली लगता है लाइका कोवाई किंग्स की बल्लेबाजी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बॉलिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा बॉलिंग बेकार है, बॉलिंग और बैटिंग जो है यहाँ पर दोनों ही टीम की काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, मुझे यहाँ पर कोई कमी नज़र नहीं आ रही दोनों ही टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में। लाइका कोवाई किंग्स ने पिछला मुकाबला काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही टीम के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी टक्कर होने वाली है। अगर जो बात करें यहाँ पर लास्ट 5 मैचेस रिकॉर्ड की, लास्ट जो 5 मैचेस खेले गए हैं दोनों ही टीम के द्वारा, उसमें यहाँ पर क्या परफॉर्म दिया, देखो लाइका कोवाई किंग्स ने भाई 5 मुकाबले खेले, 5 में से 4 मुकाबले अपने नाम करे, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में चल रही है। बैटिंग एवरेज जो इनका स्कोर है 170, यानी कि 170 का जो है इनका बैटिंग एवरेज स्कोर है, T20 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। बात करें बॉलिंग एवरेज स्कोर, वो है 8.15, यानी कि बॉलिंग एवरेज स्कोर मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा, 8.15 नॉट अ गुड। अगर जो बात करें नेल्लई रॉयल किंग्स, भाई 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, उन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रखा है, लेकिन लाइका कोवाई किंग्स से थोड़ी सी नीचे है। बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करें 185 का है, 8.41 का बॉलिंग एवरेज स्कोर है, यानी कि बैटिंग एवरेज स्कोर है भाई बहुत ही तगड़ा है, लेकिन बॉलिंग एवरेज स्कोर जो है थोड़ा सा कम है। इसको देख करके अगर जो अंदाजा लगा है, जो मुझे पर्सनली लगता है भाई, देखो लाइका कोवाई किंग्स के जो गेंदबाज है ना नेल्लई रॉयल किंग्स के बॉल बैट्समैन पर थोड़े से भारी पड़ सकते हैं, और जो वैसे ही यहाँ पर उल्टा है, नेल्लई रॉयल किंग्स के गेंदबाज जो है लाइका कोवाई किंग्स के बल्लेबाजों के ऊपर थोड़े से भारी पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुझे ऐसा लगता है नेल्लई रॉयल किंग्स के जो बल्लेबाज है ज़्यादा तगड़े हैं, क्योंकि 185 का भाई बैटिंग एवरेज स्कोर है, तो ऐसा लग रहा है कि देखने में कि वो यहाँ पर मैच को थोड़ा सा अपने नाम कर सकते हैं। अगर जो बात करें हेड टू हेड मुकाबले में, देखो यहाँ पर टोटल 6 मैचेस खेले जा चुके हैं दोनों ही टीम में, 6 में से 4 बार यहाँ पर लाइका कोवाई किंग्स ने अपने नाम जीत करी है और 2 बार
दो बार निर्णय रॉयल किंग्स ने, यानी कि साफ साफ नजर आ रहा है हेड टू हेड के मामले में लाइक कोबाई किंग्स आगे है। बात करें फाइनल रिजल्ट की, भाई फाइनल रिजल्ट क्या बनता है, विन परसेंटेज क्या बनती है। सबसे पहले बात करते हैं विन परसेंटेज की, भाई क्या बनती है। मेरे हिसाब से जो मेरी प्लेइंग 11 को हम लोग साइड कर दें और लास्ट रिकॉर्ड देखें तो मुझे ऐसा लगता है भाई लाइक कोबाई किंग्स थोड़ी सी मुझे आगे नजर आ रही है लास्ट रिकॉर्ड में। तो यानी कि जो विन परसेंटेज बनती है यहाँ पर 51% बनती है लाइक कोबाई किंग्स की, 49 बनती है निर्णय रॉयल किंग्स से। अगर जो ये बात करें कि ये मुकाबला कौन लेकर के जा सकते हैं, देखो मुझे जैसा लगता है लाइक कोबाई किंग्स ये मुकाबला अपने नाम करके जाने वाली है। अब लोगों को क्या लगता है भाई लाइक कोबाई किंग्स जीत पाएगी, हाँ या ना, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर जो आप लोग मैच को और डिटेल में जानना चाहते हैं फटाक से हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, वंदे मातरम, गुड बाय।